देखिए प्रतीक जी, हाँ, मैं तो केवल दो बातें बताना चाहता हूँ। आखिर ये जो बाहर के जो विदेशी शक्तियां हैं वो क्यों बिलबिला रही हैं? आप देखिए, जब कोई फिनाइल डालते हैं तो कीड़े मकोड़े बाहर निकल आते हैं। वही आज स्थिति इस देश के अंदर और देश के बाहर हो रही है। इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा गैंग चलता था, FCRA गैंग। विदेशी फॉरेन फंड हिंदुस्तान में आता था, कोई लेखा नहीं जोखा नहीं। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2017 से 2021 के बीच में 6700 से ज्यादा एनजीओ के FCRA कैंसिल किए। यही कारण है कि इन जो आस्तीन के सांप थे उनको निकल के बोलना पड़ रहा है कि हम $1 बिलियन देंगे इस सरकार को गिराने के लिए, क्योंकि भारत के अंदर अब इस प्रकार का अवैध पैसा आना बंद हो गया है। और यही कारण है कि ये विदेशी शक्तियां जो पहले इस देश की जड़ों में मट्ठा देती थी, अब उनको मट्ठा देने का मौका नहीं मिल रहा। ठीक, बहुत अच्छा बोला आपने, पूरा राइट है। रंगरेज साहब, आपने भी बड़ी अच्छी बात कही कि अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा। बिल्कुल सही बात कही। वन बाई वन करिए, बहस हो जाए जी। हाँ जी, इन्होंने नहीं बोला, मुझे मालूम है। ये बाहर से या विदेश, ये बिल्कुल बोलेंगे, ये इकोनॉमिस्ट हैं, जरूर बोलेंगे। मैं बिल्कुल पूछा, मैं जरूर आऊंगा जी। पर लेकिन बहुत पहले लोग मौजूद थे, मैं उनसे पहले पूछना चाहता हूँ। इधर कौन था जी? हाँ जी बोलिए जी। मुझे ये लगता है कि जब से ये ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का काम चालू हुआ है और परमिशन मिला है अदानी और अंबानी को, तब से इनके पीछे विदेशी शक्तियां लग गई है ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का। हाँ, तब से ये विदेशी शक्तियां लग गई। ओपेक हो, अमेरिका हो, ये हमेशा से ये कोशिश में थी कि इंडिया को जो तेल सप्लाई किया जाता है उसको थोड़ा रेट बढ़ा के इंडिया का पूरा पैसा खींच लिया जाए। क्या नाम है आपका साहब? अजय राउत। अजय राउत साहब, क्या काम करते हैं आप? जी मैं टाइवेटर का काम करता हूँ शादी पार्टियों में। क्या काम करते हैं? वेटर का काम करता हूँ शादी। वेटर का काम करते हैं? नहीं आएंगे तो मैं बाहर चला जाऊंगा। तो एक ही तय कर लिया, मैं बाहर चला जाऊंगा, अंदर आइए। ये देखिए क्या कर दिया गया आपके लिए। ये आइए तो अंदर आइए, अंदर आइए हुजूर, अंदर आइए। स्वाभिमानी आदमी भी है। कल एक मुझे ऑटो वाले मिले थे, और यही देश है। आपको इस बात का बड़ा इल्म है कि मैं सब कुछ पढ़ा है मैंने ही। शादियों में वेटर का काम करते हैं, बहुत सम्मानित काम है। किसी को क्षुधा शांत करना, भूख शांत करना बहुत बहुत पुनीत कार्य है। आप बहुत अच्छा काम करते हैं, फख्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए प्रत्येक भारतीय को। और दूसरी काम ये, जो आप खाते हैं उस प्लेट में उतना ही लिया करिए जितना आप पचा सके खा सके। 10 किलो ना रख लिया करिए अपने वजन के हिसाब से। हाँ, तुम्हारे लिए कहा था, बहुत सम्मानित काम करते हैं आप। और क्या सवाल किया है, क्या मतलब मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो आपने लिंक्स लगाए हैं, जो बात सवाल पूछा है वो निश्चित तौर से। घर पे कौन कौन, बच्चे क्या हैं? जी शादी नहीं हुई अभी। वाह जी, एक ताली और। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब मैं आपसे लेता हूँ, आप विदेश में रहते हैं। मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। दूर हैं आप, पास आ जाए, उधर आ जाए उस तरफ। आप विदेश में रहते हैं, इंडिया आते रहते हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत सारी बातें हो रही, क्यों आखिर क्यों इस तरह से? तो टर्की में सबसे पहले पहुंचने वाले हम थे, लेकिन क्यों इतनी प्रतिक्रिया क्यों है, जानना चाहते हैं लोग। देखिए, देश फूटे गवार लूटे, पहला लाइन, तीन लाइन मुझे बोलने दीजिएगा। दूसरी बात, हम लोग को विदेशी दूल्हा पसंद है। और तीसरी लाइन मेरी ये है कि हम बात करते हैं कि हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही है, अंग्रेजों का नियम ही रहा है कि फूट डालो राज करो। आज हम जनसंख्या में नंबर वन हो गए हैं, लेकिन अगर हमारे देश का बिजनेस में नंबर वन पूरी दुनिया में होता है तो हमें प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? क्योंकि अपने अपना भाई आगे कैसे बढ़ेगा। मैं किसी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास रोजगार नहीं है। सबके पॉकेट में 1-1 लाख रुपया है सबके पास, और सबके पास विदेशी पैसा सबके पॉकेट में है, तो देश अमीर कैसे बनेगा? ये कैसे, कहाँ 1-1 लाख रुपया? सबके पॉकेट में मोबाइल फोन्स है, और कितनी मोबाइल फोन्स कंपनियां मेड इन इंडिया आप यूज कर रहे हैं, कैसे देश आगे बढ़ेगा? प्रतीक जी क्या बात है? नहीं भाई, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मैं ये कौन सी बात है कि सब 1-1 मोबाइल है? भाई मोबाइल है हमारे लिए पास, इसका मैं इस तर्क से, जरूरी नहीं कि हम आपके सारे तर्क से सहमत हो। जी देखिए, बात ऐसी है ना कि जब हम बात कर रहे हैं तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा, और जब तक हम इससे मिल बैठ के काम नहीं करेंगे, हम तो लड़ने में ही व्यस्त है ना। तो ये बात सहमत है, मैं आपकी इस बात से सहमत है। मैं आया, क्या नाम है आपका? बहुत देर से परेशान थे, क्या नाम क्या है? अंकिता। अंकिता क्या करती है? अंकिता आई एम अ डेंटिस्ट। और आप? मैं
सैलरीड हूँ, जॉब करती हूँ। जॉब करते हैं तो कुछ बोलना है या कुछ? नहीं सर, आपके साथ फोटो लेनी थी हमें, हम सुन रहे हैं आपकी बातें। फोटो लेनी थी?